सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। स्वागत है आपके इंट्राडे गाइड पे और मैं हूँ आपका दोस्त शिवांश भसीन। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ऐसे 20 स्टॉक्स जो अभी तक एक क्वार्टर के अंदर 2018 के क्वार्टर के अंदर अंदर ही 60% तक गिर चुके हैं। तो ये स्टॉक्स की लिस्ट आपको आगे शो कर रही होगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो 60% तक गिर चुके हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इसे होल्ड करके रखना चाहिए, क्या अब हमें इसे फ्रेश बाय कर लेना चाहिए, क्या हमें इसे एग्जिट कर लेना चाहिए, वो सब मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर हम पहली बात करें तो हमने देखा था कि 11,170 का जो टॉप बनाया था निफ्टी ने, वहाँ से वो 11% करेक्ट कर चुका है। और वहाँ से करेक्ट करने के बाद अब हमने देखा कि वहाँ से उसने 5% की रिकवरी दी है और अब 10,500 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। पर अभी भी हम कह सकते हैं कि 6% जो अभी उसकी अपसाइड है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है और अभी 6% अपसाइड आना और बाकी है। तो क्या अब वो आ सकती है या नहीं आ सकती है? हमने देखा कि इतने टाइम एक दो महीने के अंदर अंदर ही 5% निफ्टी ऊपर चला गया, पर कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो नीचे जाए जा रहे थे, स्पेसिफिक स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स थे जो लार्ज प्रोपोर्शन में गिरे जा रहे थे। तो वो स्टॉक्स ये हैं। तो आपको यहाँ शो कर रहा होगा JBF इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा 29th December 2017 में जो JBF इंडस्ट्रीज़ का जो प्राइस था वो 225 था, और अब 28th March की मैं बता रहा हूँ आपको 84.25 रह गया है। तो क्या अब हम इसे बाय करके रखना चाहिए? तो मैं आपको कहूँगा जब तक इसके JBF इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट नहीं आ जाते हैं, इस महीने के अंदर आने होंगे, इस महीने के अंदर आने हैं JBF इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट। अगर JBF इंडस्ट्री के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आप इसको बाय कर सकते हो, या आप इसको होल्ड अगर आपने करा हुआ है तो आगे कंटिन्यू रख सकते हो। पर अगर इसके इस साल भी, या मतलब हम कह सके इस क्वार्टर भी उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, तो आपको इसको बेचने की सलाह दी जाएगी या फिर आपसे इसे एग्जिट करने की सलाह दी जाएगी। क्योंकि पिछले क्वार्टर में इसने अच्छा खासा अपना नेट लॉस दिया, नेट सेल्स दिए जो इसमें हैवी इम्पैक्ट डाला, और हमने देखा था कि तब से इसने करेक्शन आना शुरू करा और ये 62.57% जो यहाँ पर आपको शो कर रहा है इतना जाके गिर चुका है। ये अगर हम बात करें विक्रांगी लिमिटेड की, तो आप सब जानते हैं ये बहुत न्यूज़ में आ रहा है, न्यूज़ फ्लो की स्टॉक है। तो इसमें क्या न्यूज़ थी कि इन लोगों ने एक प्राइस मैनिपुलेशन करा था, तो सेबी ने इसमें फटकार लगा दी थी। तो अब हमने देखा था कि तब से ये जब हुआ, सेबी ने इसके बारे में हमें जाँच करी थी, तब से ये स्टॉक गिर ही रहा है। और आप देख सकते जो 421 का स्टॉक था वो आके सिर्फ 221 हो गया, यानी 50% तक गिर चुका है। तो क्या ये स्टॉक को बाय करना चाहिए, नहीं बाय करना चाहिए, एग्जिट करने की सलाह दी जाएगी आपको इससे। क्वालिटी लिमिटेड आपको देख सकते हैं 46.59% तक गिर चुका है, जो 29th December में 113 का था वो 60 रुपये में आ चुका है अब। तो क्या इसको बाय करना चाहिए? हम कह सकते हैं कि कंपनी थोड़ी अच्छी है, इसके जो कंपनी का जो डेट है वो थोड़ा डेट ज़्यादा है इस कंपनी का, और रिजल्ट्स थोड़े अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो अगर इस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और अपनी डेट को इम्प्रूव करने की कोई प्लान्स करती है, तो इसको हम बाय कर सकते हैं और आने वाले कुछ सालों में ये हमें रिटर्न अच्छा दे सकती है। अपॉर्चुनिटी अच्छी है बाय करने की, पर और डीपली हमें इसे रिसर्च करना पड़ेगा। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी HCC, आप सब जानते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, पर इससे अच्छी भी और कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, जैसे कि मैं बात करूँ तो NCC को आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो राइवल है NCC, अगर हम बात करें आप, वो ज़्यादा स्टॉक अच्छा लग रहा है। अगर हम टेक्निकल ट्रेंड्स की बात करते हैं तो वो उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और क्वालिटी वाइज भी NCC बहुत अच्छा है। इसमें हमने देखा है कि बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन हैं HCC के, और डेप्ट भी इसका ज़्यादा है। तो आप खुद ही देख सकते हैं जो 40 रुपये का स्टॉक था आके सीधा 22 रुपये में आ चुका है। तो ये स्टॉक को आपसे एग्जिट करने की सलाह दी जाएगी। अब आते हैं पंजाब नेशनल बैंक। सब आप जानते हैं कि जो नीरव मोदी का घोटाला था, उसके बाद से हमने देखा कि जो 171 का शेयर था वो सीधा 95 में आ चुका था, और अब हम देख सकते हैं कि ये 95 से बढ़ चुका है। पर अब इसमें खरीदारी की समय है कि नहीं है? तो यस,
लॉन्ग टर्म होराइजन है अगर आपका, तो आप पंजाब नेशनल बैंक को ज़रूर बाय कर सकते हैं, और इसमें मुझे 210 तक का टारगेट लग रहा है आने वाले 2 से 2.5 सालों के अंदर अंदर ही। तो ये आपको बाय के लिए अपॉर्चुनिटी में दी जाएगी इन 5 स्टॉक्स में से जो भी मैंने आपको सजेस्ट करे। और क्वालिटी में और JBF इंडस्ट्रीज़ में आपको पहले रिजल्ट्स को एनालाइज करना पड़ेगा जो इस महीने इस क्वार्टर में आएंगे जो, और क्वालिटी इंडस्ट्री अगर अपना लिमिटेड अगर अपना डेप्ट कम करती है तो इसको बाय करने के बारे में आप सोच सकते हैं। रिलायंस नेवल और इंजीनियरिंग LTD, तो मैं आपको सलाह यही दूंगा अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आप इंट्राडे में रिलायंस या ADAG पैक करके आप जो मतलब रिलायंस कंपनीज के जो रिलायंस नेवल है, रिलायंस कम्युनिकेशन है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप इन सब लोगों को सिर्फ ट्रेडिंग पर्पज से ही बाय करें, ना कि लॉन्ग टर्म होराइजन से बाय करें, क्योंकि मुझे इनमें ज़्यादा अपसाइड नहीं दिखती है। क्योंकि ज़्यादातर अब जो आने वाले साल होंगे उसमें हमें क्या चाहिए, जो हमारा CAGR है, जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ इंटरेस्ट है, वो हमारा 15 से 20% होना चाहिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर कंपनी का। तो अगर वो CAGR 15 से 20% होता है तो हमें उसे खरीदना चाहिए, हमें आने वाले सालों में उसमें फ़ायदा मिल सकता है स्टॉक पे। तो ये ऐसी कंपनीज है जिनका CAGR 9% से भी कम है, तो इन स्टॉक्स को आपको बाय करने की सलाह या होल्ड करने की सलाह नहीं दी जाएगी। कोई भी अपसाइड में आप इससे निकल जाए तो आपको मैं बता चुका हूँ कि आपको ये एग्जिट कर लेना है। बलरामपुर चीनी एग्जिट करने की सलाह दी जाएगी आपको बलरामपुर चीनी में से। अदानी पार, अब आते हैं अदानी पार में। तो अदानी पार का मुझे स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगता है। अदानी पार हमने देखा कि जो 41 का शेयर था 23 में आ चुका है, और अब हम देख सकते हैं कि ये यहाँ से 42% 43% गिर चुका है। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अदानी पावर को बाय करने के लिए, तो मैं इसमें आपको बाय की सलाह दूंगा। बजाज हिंदुस्तान शुगर्स, तो हम देख रहे हैं कि अभी कंजप्शन थीम है आने वाले कुछ सालों में, FMCG कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी रूरल बेस्ड थीम्स हैं, तो इसमें आपको फोकस करके रखना पड़ेगा। ये नहीं कि जो हमें सस्ता शेयर स्टॉक मिल रहा है, पेनी स्टॉक मिल रहा है, हमें उसमें इन्वेस्ट करना होगा। आपके पास अपना इन्वेस्टमेंट कम है, आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो आप ये मत सोचिए कि मैं अगर पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे सबसे ज़्यादा फायदा होगा। आपको उसी में इन्वेस्ट करना होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपको CAGR 15 से 20% मिला करे, और आपका इंटरेस्ट भी कम से कम 20 से 25% का आपको इंटरेस्ट मिले, तभी आपको उसमें बाय करने की सलाह दी जाएगी। और आने वाले कुछ सालों में मुझे नहीं लगता कि शुगर इंडस्ट्रीज़ का कोई ज़्यादा फ्यूचर होगा या ज़्यादा ये अपसाइड दिखा सकते हैं शेयर मार्केट या पर्टिकुलर स्टॉक के अपसाइड में। तो आपको इसमें भी इससे भी निकल जाने की सलाह दी जाएगी अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन करते हैं, तभी की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म ट्रेड में आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए सलाह दे रहा हूँ। यूनिटेक निकल जाने की सलाह दी जाएगी आपको इसमें से। सिटी नेटवर्क्स, ये मैं नहीं इसको फॉलो करता तो मुझे इसके बारे में नहीं पता, आप रिसर्च कर सकते हैं, वरना मैं रिसर्च करके आपको इसके बारे में बता दूंगा। अब आते हैं हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको इसमें। मैंने इस कंपनी को ऑब्जर्व करा है, मैंने इस कंपनी के बारे में पढ़ा था, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी आने वाले 1 या 1.5 सालों में अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, और ये 75 रुपये से ऊपर भी जा सकती है, जो इसका 65 जहाँ से इसने गिरना शुरू करा था, और अब हम देख सकते हैं ये 38 में आ चुकी है। तो अब ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है इसे डाउन साइड में भी खरीदने के लिए, आपको 1 से 1.5 साल में ये 75 के ऊपर के लेवल्स भी दिखा सकता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र बिल्कुल खरीदने की सलाह नहीं दी जाएगी आपको इसमें। रिलायंस कम्युनिकेशन मैंने आपको बता ही दिया कि रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस नेवल, ऐसे स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए बाय नहीं करके रखने हैं। अब आते हैं बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया बाय करने की सलाह दी जाएगी। बैंक ऑफ इंडिया के साथ आप बाय कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा सेम टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहे हैं, तो दोनों को आप बाय करके चल सकते हैं, और दोनों में से अगर आपको एक चूज करना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत अच्छा स्टॉक है, उसको भी बाय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये 169 से गिरना शुरू हुआ था और 103 तक चला गया था, तो अब इसके लिए आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। बिरला कॉरपोरेशन मैंने इसको ऑब्जर्व नहीं करा, मैं इसे फॉलो नहीं करता, तो मैं इसके बारे में सलाह नहीं दे सकता। हिंदुस्तान कॉपर बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको इसे, और अगर आप इसे होल्ड करते हैं तो आप होल्ड भी कर सकते हैं, और ये सिर्फ मैं आपको 6 महीने के लिए टाइम होराइजन के लिए सलाह दे रहा हूँ। अच्छा टेक्निकल ट्रेंड इसमें बना हुआ है, चार्ट पैटर्न लग रहा है, तो हमें अच्छे खासे अपसाइड दिखा सकता है ये। IFCI पक्का बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको, अच्छे दामों में मिल रहा है IFCI, और ये आपको और अच्छे रिटर्न्स भी दे सकते हैं आने वाले कुछ सालों में। हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, पर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये कंपनी ग्रो कर रही है उस तरीके से हम कह सकते हैं कि और ऊपर के लेवल्स भी दिखा सकती है, तो बाय करने की सलाह दी जाएगी।
BEML होल्ड है तो होल्ड करने की सलाह दी जाएगी, नया आपको इसमें बाय पोजीशन बनाने की सलाह नहीं दी जाएगी। आप देख सकते हैं आपने 1600 के लेवल से ये 1044 तक आ चुका है, 1000 रुपये तक आ चुका है, यानी 35% का इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है इस क्वार्टर के अंदर। तो अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो होल्ड कर सकते हैं, नई पोजीशंस बनाने की सलाह नहीं दी जाएगी। PTC इंडियन फाइनेंशियल सर्विस बाय करने की सलाह दी जाएगी, और 24.20 का इसने आप देख सकते हैं 28 मार्च को इसने अपना प्राइस रखा था और यहाँ से गिरना शुरू हुआ था। तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको बाय करने के लिए, और अगर आप इससे होल्ड करते हैं तो आप होल्ड भी कर सकते हैं, नई शॉर्ट्स इसमें अभी आप नहीं बनाए। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर ये स्टॉक्स आपको पसंद आते हैं जो मैंने आपको सजेस्ट करे हैं तो आप इसमें से बाइंग पोजीशन लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए बना सकते हैं। और अपने मैं एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ जो 40% तक की अपसाइड दे चुके हैं इस क्वार्टर के अंदर, तो वो स्टॉक्स को आपको होल्ड करके रखने हैं अभी तक, एग्जिट कर लेना है या आपको बाय करना है वापस, उसको फ्रेश बाय करने की सलाह, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। और बहुत से ऐसे वीडियोज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं, तो अगर वो वीडियोज़ और आपको देख रही होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आप मेरी लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोज़ हर दिन पा पाएंगे, और मेरे इस बेल आइकन को दबा दिएगा जिससे आप मेरी लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोज़ पा पाएँ, और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए जिससे मुझे पता लग जाए कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अगर आप इस शेयर को होल्ड करते हैं या नहीं करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में सजेस्ट करा था कि आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ DHFL बाय करने की सलाह दी जाएगी, और क्योंकि शॉर्ट टर्म होराइजन से, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमें टेक्निकल एनालिसिस कैसे करके स्टॉक्स को बाय करना है, तो उससे मैंने उस टेक्निकल इंडिकेटर को यूज़ करके मैंने आपको जो दो स्टॉक्स ये बताए थे, अब आप देख सकते हो कि वो 3 दिन से कैसे कैसे हाइज बनाए जा रहे हैं और कैसे आपको रिटर्न दे सकते हैं। तो आप अगर आपने अभी तक देखा नहीं तो आप मेरे चार्ट्स में जाके DHFL और रिलायंस कम्युनिकेशन को देख सकते हैं, बहुत अच्छे रिटर्न उसने 3 दिनों के अंदर ही दे दिए हैं। तो अगर आपको वो एनालिसिस सीखनी है, टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है, तो ये इस वीडियो में आखिरी आपको वीडियो शो कर जाएगी, आप उस वीडियो में जाकर उसे देख सकते हैं। तो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।